अस्सलामुअलैकुम काबिले कदर व्यूअर सैफ सरोही एडवोकेट हाई कोर्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, आपसे मैं मुखातिब हूँ। काबिले कदर व्यूअर्स, मैं सोशल मीडिया पर ऑनरेबल सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट का ऑर्डर देखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है सेशन कोर्ट का रिकॉर्ड 7 दिनों के अंदर नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए और इस मकसद के लिए जनाब ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज सैयद फैजान हैदर गिलानी साहब को सुपरविजन के लिए इंचार्ज मुकर्रर किया गया है कि जनाब ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज साहब इसको 7 दिन के अंदर शिफ्ट करवाएंगे और कहा गया है कि पहले जो रिकॉर्ड है उसको वहाँ भेजा जाए और इसके लिए सिविल नाजिर साहब को भी डायरेक्शन दी गई है कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करें। तो दोस्तों, ये ऑर्डर जनाब ऑनरेबल सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट की तरफ से है। तो दोस्तों, इस वक्त वकला के चैम्बर कहीं नहीं बने, वहाँ सिर्फ अदालतें हैं, बार रूम भी अभी वहाँ नहीं बना। तो ऐसे में हम देखते हैं कि वकला के चैम्बरों का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ साइट पर आप चलें। काबिले कदर व्यूवर्स, आप मेरी बैक पे उस प्लाट पर काम जारी हुआ देख रहे हैं जहाँ पर हमारे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के लॉयर्स का कम्प्लेक्स बन रहा है। इसमें वकला के चैम्बर्स होंगे, ये लॉयर्स कम्प्लेक्स है। तो दोस्तों, आप देखें काम तेज़ी के साथ जारी है और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। दोस्तों, ये G10 में जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें वकला के ऑफिसेस बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस हाई राइज बिल्डिंग के बनने के बाद हज़ारों वकला एडजस्ट हो जाएंगे और वो अपनी पेशा वराना खिदमात बेहतर तौर पे अदा कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये सामने कंटेनर भी आपको इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, जूँ ही ये हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकला के लिए बेहतरी पैदा हो जाएगी। तो मैं इस हाई राइज बिल्डिंग के काम पर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ही सैफ सरोही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।